10 से लेके 20 तक की अदा, आज हम देखेंगे 21 से लेके 50 तक की अदा। तो हम लोग पढ़ा था 1 से लेके 20 तक, और फिर 20 के बाद 21, 22, 23, ये कहाँ तक गया है? 50 तक। तो एक बार हम बोल देते 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। बच्चों इसको याद करने की जरूरत है, और इसको याद करिएगा तो हिसाब बनाने में आसानी होगी। देखिए इसमें हम लोग ने बहुत जोड़ देख लिया, घटाव देख लिया, उसके बाद अदा दरमियान की संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी अदा, छोटी अदा, ये सारी हम लोग ने देख लिया। लेकिन अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन बराबर है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है? तो देखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 35 है। तो देखो बच्चों, जो बड़ा रहता है उसका मुंह उसके तरफ खुला रहता है। तो ये जो है ये 35 बड़ा है 34 से, इसलिए ये यहाँ पे बड़ा होगा। उसी तरह अगर हम यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो कौन छोटा होगा, जो बड़ा रहता है उसका मुंह उसके तरफ खुला रहता है। तो मतलब अगर हम यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 36 लिखते हैं, 32 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये बड़ा, मतलब ये जो होता है बड़ा हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो बड़ा होगा उसका मुंह उसके तरफ खुला हुआ होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अब ये बराबर का निशान क्या है, तो मिसाल के तौर पे अगर 42 है और यहाँ पे भी 42 है, तो मिसाल के तौर पे अगर हम दोनों को देखें तो दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो बच्चों आज हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, कौन कितना बराबर है, कैसे बराबर है। तो बराबर क्या निशान ये है, जो बड़ा रहेगा उसका मुंह उसकी तरफ खुला रहेगा, जो छोटा रहेगा उसका, जो बड़ा रहेगा यानी कि उसकी नोक उसकी तरफ होगी। तो जैसे मान लेते हैं कि जो बड़ा है यानी कि मुंह उसके तरफ खुला हुआ है, और जो छोटा है यानी जो छोटा है, इसमें 35 में 34, 35 में से 35 बड़ा है या 34 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 35 बड़ा है। तो 35 देखो बच्चों मुंह खुला हुआ है इसके तरफ, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ आदत दी गई है, तो इसमें हम लोग को भरना है। तो बताओ बच्चों इसमें कौन सी होगी, कौन सी होगी? ये वाली होगी? नहीं, ये वाली नहीं होगी। कौन सी होगी? ये वाली होगी, ठीक है। इस वाले में कौन सी होगी बच्चों? देखो यहाँ हमने बताया है ये वाली बराबर होगी। देखो बच्चों इसमें कौन सी है? इसमें तो ये वाली है। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखने की कोशिश की है, इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, आदत को यानी कि संख्या को यानी नंबर्स को क्या कर रहे हैं, या तो बड़ा है तो बड़ा जो रहेगा उसके मुंह, उसका जो मुंह है उसकी तरफ खुली रहेगी, जो छोटा है उसके तरफ एरो बना रहेगा, जो बराबर है यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों इसको करना क्या है कि इसको याद कर लेना है, और अपने किताब को निकाल के इसको प्रैक्टिस करना है और सीखना है। सीखेंगे तो आप 1 में है तो 2 में जाइएगा तो और आसानी से आप हिसाब को समझ सकते हैं, और इसको अपनी जिंदगी में शामिल करके आप अपने हिसाब को अच्छा बना सकते हैं और अपने आप को अच्छा महसूस कर सकते हैं। इसलिए बच्चों मिसाल के तौर पे अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे बड़ा कौन है? तो बड़ा ये है। यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि इसमें बड़ा कौन है, तो बच्चों क्या बोलोगे? इसमें बड़ा हो जाएगा ये। तो बच्चों ये चीज समझ में आया कि छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है, यानी कि जो बड़ा रहता है उसको क्या, उसका जो निशान होता है कैसे होता है, छोटा जो होता है उसका निशान कैसा होता है, या जो बराबर होता है उसका निशान कैसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस निशान को आप किताब में जाइए, कॉपी निकालिए, और इस निशान के ताल्लुक से कुछ सवाल खुद से बनाने की कोशिश करें।